So, hey, what is up, guys? Welcome back to another video. अभी तेरे को फोटो डालूं मैं? निकल लोड़िया। आके दिखा, रुक तेरे को बताते। The next day. तो और भाई बोलो क्या हाल है सबके? टेक्नो का चैनल तो भाई अब मेरा हो चुका है। सर जोक्स असाइड, मेरे नाम पे तो तुम लोग यार लाइक करने नहीं वाले वीडियो को। सर टेक्नो भाई के नाम पे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रहा है। और बाकी चलते हैं शार्ट आउट की तरफ। सो हमारा पहला शार्ट आउट जाता है अबोडोल, बजरंग सिंह एंड सिद्धांत गेमर्स। सो अगर आपको भी चाहिए शार्ट आउट, जल्द से जल्द प्यारा कमेंट करो, मैं भी आप लोग कमेंट को पिक करूंगा। सो आज की वीडियो में मैं लेके आपके लिए टॉप 4 ऐसे मॉड जिन्हें खेल के आप लोग बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, इन्हें आप सर्वाइवल में भी खेल सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हमारा जो पहला मॉड है उसका नाम है रियलिस्टिक एक्सप्लोजन्स मॉड फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। क्योंकि यार अपने जावा एडिशन में तो कई सारे ऐसे वीडियो देखी होगी जिसमें यार हमारे जो गेम है उसमें बहुत ज़्यादा ही अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, बट यार हमारे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इससे पहले नहीं था। बट यार आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसा मॉड लाया हूं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और जावा एडिशन की तरह वर्क करने वाला है। सो इसमें मैं सबसे पहले कोठी बंगले वाला घर लूँगा, क्योंकि यार इन्हें टूटते हुए देखने में आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ही अलग मजा आने वाला है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। सो यार यहाँ पे आप लोग आप देख ही सकते हो कि भाई क्या ही खतरनाक वाला एक्सप्लोजन हुआ, थोड़ा बहुत हुआ बट बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था। और ये यहाँ पे जो कोबलस्टोन है इन्हें आप स्टिल यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो कोबलस्टोन फूट गए थे वो अभी यूज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बाकी अगर यहाँ पे और भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये टॉर्च भी एकदम रियलिस्टिक तरह से ऊपर चला गया। और बाकी यहाँ पे कई सारे आइटम्स डिस्पोन हो जाते हैं बट या कुछ आइटम्स रह जाते हैं। सो बहुत बढ़िया होने वाला, क्योंकि यार पॉकेट एडिशन के लिए अच्छे से मॉड्स बन नहीं पाते, पर जो भी है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। ये गड़बड़ है बाबा। और यार कहीं आप लोगों को लग रहा हो कि भाई ये वीडियो फेक है, तो आप लोग यहाँ पे लिटरली देख सकते हो कि भाई क्या ही तरीके से है। थोड़ा बहुत यार लैग करेगा क्योंकि मेरा एक लो एंड डिवाइस है। सो जो नेक्स्ट मॉड पैक होने वाला है वो ट्रू बैकपैक फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सर्वाइवल, जो कि एकदम रियलिज्म होने वाला है, जो रियल लाइफ आपके बैकपैक्स होता है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। और इसमें यार कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलने वाले हैं। सो यार वीडियो को पूरा देखते रहना, मैं इसमें आप लोगों को इसका पूरा ट्यूटोरियल बता दूंगा। सो इन्हें आप क्राफ्ट भी कर सकते हो सर्वाइवल के अंदर। मैं यहाँ पे क्रिएटिव यूज करने वाला हूँ, क्या ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ये प्लेस क्यों नहीं हो रहा था भाई? इधर ट्राई करके देखते हो, शायद इधर हो जाए। भाई प्लेस क्यों नहीं हो रहा भाई? प्रैंक हो गया। सो मुझे पता चला कि इसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। सो कुछ ऐसे होल्ड करना और सर कई सारी तकनीकी बाधाओं के आने के बाद अब मैं यहाँ पे कम्प्लीटली इसे यूज़ करना सीख चुका हूँ। सो कि जस्ट ऐसे आप लोगों को होल्ड करके रखना और यहाँ पे आप जो बैग वो प्लेस हो जाएगा। और इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था मुझे नहीं पता। बाकी आप लोग ऐसे करके आइटम्स को इसके साइड में भी रख सकते हो और कई सारे आइटम्स को और भी यूज़ कर सकते हो, लाइक लावा, जो कि लावा का एक अलग से सेपरेट फीचर भी, वो भी मैं बताऊँगा। बाकी आप लोग यहाँ पे थर्ड पर्सन बैक में जाके कम्प्लीटली यहाँ से अच्छे से देख सकते हो कि भाई क्या ही रियलिज्म लग रहा है बैकपैक, और भाई ऐसा लग रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ, जबकि रियल लाइफ में मैं अभी तक एक हफ्ते में एक बार भी स्कूल नहीं गया। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। बाकी चेस्ट आइकन में जाके आप लोग भी यहाँ पे जो आइटम्स है उन्हें ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हो बैकपैक को, जो कि इसका मेन फंक्शन है। बाकी आप लोग यहाँ पे लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा बढ़िया वाली मिल जाती है अगर आप लावा को यूज करोगे बैकपैक के साइड में, तो यहाँ पे डायनामिक लाइटनिंग आपको मिलने वाली है। सर मुझे पता है कि भाई आप में से जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा आलसी होंगे फॉर्म्स बनाने में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमारे जो पॉकेट एडिशन है इसमें फॉर्म्स अच्छे से चलते भी नहीं है जैसे कि जावा में चलते अच्छे से। सो इसके लिए मैं आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। बट यार वीडियो को लाइक करते चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया। सो जल्दी से ठोक दो। सो इस मॉड में मैं आपके लिए लेके आऊँ इंस्टेंट फार्म मॉड, जिससे यार आप लोग बहुत ईजिली हमारे जो फार्म्स है उसे क्राफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैंने ले लिया यहाँ पे गोल्ड फार्म का ब्लॉक, और इन सबको आप लोग क्राफ्ट कर सकते हो हमारे सर्वाइवल में। और उसके बाद चाहिए होगा आपको एक और चीज़ जो कि आप लोग साथ में बिल्ड कर सकते हो, आई मीन जो क्राफ्ट कर सकते हो, उसका नाम है बिल्डर स्टूल, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप लोग क्राफ्ट कर सकते हो। और इसके बाद आपको जैसे इसके ऊपर हथौड़ा फेंकना है और भाई ये इतना ज़्यादा डेडली लग रहा है ना, ये गोल्ड फॉर्म बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। सो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यहाँ पे जस्ट आपको लीवर को पुल करना और ये हमारा जो फार्म है ये इजीली काम करना शुरू कर देगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों को खींच दिया और यहाँ पे हमारा जो किलिंग चेंबर भी काम करने लग चुका है। सो यहाँ पे आप लोग एक पिक भी देख सकते हो, लुक देख सकते हो कि भाई हमारा जो फार्म कैसे वर्क कर रहा है, और एक्चुअल में हमारा जो गोल्ड फार्म जैसे काम करता है ये भी वैसे ही काम करने वाला है। सो यहाँ पे आप लोग देख ही पाओगे कि भाई मैं कितना ही ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे कलेक्ट कर पा
चारों गोल्ड। सो देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो गोल्डन नगेट्स है वो ऑलरेडी कलेक्ट होना शुरू हो चुका है। सो बहुत बढ़िया बात है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी कुछ यहाँ पे फार्म्स दिखाता हूँ। सो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कोबल स्टोन फार्म। सो यहाँ पे मेन मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत यार लैग होगा हमारा गेम जब फार्म बिल्ड होगा, उसके बाद भाई क्या ही स्ट्रक्चर्स मिलने वाले। सो अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगा। सो वैसे आप लोग बनाना। सो यहाँ पे लीवर से हम लोग शुरू कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ आइटम्स रखने होंगे। आई थिंक यहाँ पे स्टोन से काम चल जाएगा। सो यहाँ पे स्टोन को यहाँ पे फेंक देता हूँ। सो देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कितना है, बस एक ही स्टोन। ये भाई शायद काम नहीं कर रहा क्या, थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को क्लिक काट दो, ठीक है, एडिट काट देना। अब क्या मतलब भाई, तू पहले चैनल मोनिटाइज करवा ले। सो यार हमें अभी अभी हमारे सीक्रेट खुफिया सूत्रों से पता चला कि यहाँ पे हमें स्टोन नहीं बल्कि फेंकना पड़ेगा TNT। हाँ ये कर लो पहले। सो यहाँ पे गलती से यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया था थोड़ा बहुत कांड। सो यहाँ पे इस TNT को निकाल देता हूँ और बाकी आप लोग हमें यहाँ पे फिर से ऑफ करके फिर से ऑन करना है। और अब हमारे यहाँ पे शुरू होने वाला काम, तो मेन यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। देख ही सकते हो यहाँ पे जो हमारे कोबल स्टोन है कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, हमारा जो फार्म है बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करने लग चुका है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नीक पीक देखिए यहाँ पर चेस्ट पे। सो यहाँ पे देख ही सकते हो कितना ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। सो हमारा जो लास्ट और नंबर वन एड ऑन है वो है हमारा मॉर्फ, जिसके बारे में आप लोगों ने यार ऑब्वियसली सुना होगा, बट यार इसमें आप लोगों को और भी कई सारी चेंजेस मिलने वाले, लाइक वार्डन और एले। और ये इसका वर्जन 5 है, सो इसमें कोई भी ग्लिचेस नहीं और बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिया गया है इस क्रिएटर के द्वारा। सो मॉब्स में कन्वर्ट होने के लिए या तो आप लोगों को हमारे मॉब्स को मारना पड़ेगा, या फिर आप लोग ये वाला चीट यूज करके भी हमारे जो सारे मॉब्स हैं उन्हें अनलॉक कर सकते हो मॉर्फ के लिए। तो यहाँ पे जो चीट है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और ये इसको टाइप करने के बाद आप लोग को जस्ट यहाँ पे एंटर कर देना और यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आने नहीं वाला। बट उसके बाद आप लोग जाना अपने फिर से चैट पे और यहाँ पे कर देना कैपिटल MM टाइप और उसके बाद फिर से कर देना एंटर। और इसके बाद क्लोज करने के बाद थोड़ा सा मूव करना और यहाँ पे जो हमारा मॉर्फ मेन्यू आ जाएगा। और ये वाला बहुत ज़्यादा कैटेगराइज है रैदर देन जो हमारे जो पिछले वाले थे, सो वाले बहुत बेकार थे, ये वाला बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक है समरिया। सो यहाँ पे मैं वार्डन में कन्वर्ट हो चुका हूँ। सो यहाँ पे जस्ट मैं आप लोग यहाँ पे TPP में जाके दिखाने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ भी मिलने वाले हैं। हमारे जो नॉर्मल मॉब्स होते हैं उनके भी एबिलिटीज़ मिलने वाले, लाइक जो हमारे वार्डन है उसका यहाँ पे मिलने वाला आपको सोनिक बूम और कई सारे इफेक्ट होंगे। और सामने से भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो वार्डन एकदम रियल वाला वार्डन लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि चाइनीज माल है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं आप बन के दिखाने वाला हूँ एले, क्योंकि यार एले भी हमारा नया मॉब है और इसमें आप लोगों को मिल जाता है वो भी। बट यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा अपना एजुकेशन एडिशन, जिसके बाद ही मैं यहाँ पे एले को फ्लाई करवा पाऊंगा, तो उससे मेरा क्या फायदा। सो इसके लिए जल्दी से मैं एकदम फटाक से यहाँ पे जाके एजुकेशन एडिशन ऑन कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं सर्वाइवल के अंदर भी यहाँ पे हमारा जो एले इसे फ्लाई करवा पा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे कोई भी क्रिएटिव मोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सो यहाँ पे सर्वाइवल में भी इसे आप लोग यूज कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आप मैं बन चुका विदर। और यार आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं भी आप लोगों के घर में घुस के ऐसे तोड़फोड़ करने वाला हूँ। गुड नाइट, नींद आ रही है, कल बात करूंगा, टाटा, लव यू।